तो नमस्कार जी, क्या हालचाल दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में काफी खास आइटम कवर करके दिखाने वाला हूं। आपको सीधे लेके आया हूं एक ऐसे मार्केट में जहां से आपको मिलने वाला है ये तलवार वगैरह, और ये सब तो दोस्तों कॉमन है। आज मैं आपको कुछ हटके भी दिखाऊंगा, और हटके इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि इनका काम ही है हटके क्रिएशन देना। इस तरह की अगर आपको तलवार वगैरह चाहिए, सिंगल पीस भी डिलीवरी आपके एरिया में करा देते हैं। मैं बात करूं एक बार आपको, ये देखो ये चीज़, आप देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ही क्रिएशन सारे ही अलग से अलग। ये देखो, आपने देखा होगा सम्राट अशोक के पास ये वाला तलवार देखा होगा ना, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए घर की सजावट के लिए कितना शानदार है, जय परशुराम, ये देखिए कितना शानदार है। ये देखिए आपने देखा होगा राजपूताना राइफल्स वगैरह के पास जो होते हैं ना, प्रॉपर एकदम से आर्मी कैंप वगैरह में ये सब चीज़ें आप देखते होंगे, शानदार सजावट। और इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम है। आज की वीडियो में कुछ जानदार चीज़ दिखाऊंगा। जानदार चीज़ दिखने के लिए देखो ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले स्टार्ट भी इसी से हम करेंगे आज की वीडियो में। जिनके पास आपको लेके आया हूँ ना, मैं एक बार भैया से मिलाता हूँ, वैसे उठ नहीं रहा, काफ़ी वेट है इसका, 5-6 किलो प्लस तो होगा। भैया ये क्या लेके आ गए भैया, सबसे पहले तो बताओ। जय श्री राम सभी भाइयों को। वैसे तो हम सभी पहले मिल चुके हैं, संदीप भाई को मैंने स्पेशली आज याद किया है जी। और उसके कारण अगर मैं बोलूं तो आज तलवारें दिखाना जो है, तलवारें तो हम लोग देखते हैं, आपने पहले भी देखी है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग देखते हैं जी। तलवारें दिखाना आज मेरा मेन कारण नहीं है जी, इसके पीछे की कड़वी सच्चाई, इस इंडस्ट्री की सच्चाई, वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास तक पहुंचनी चाहिए जी। तो दिखाऊंगा, तलवारें जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेरीज कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आज की वीडियो को आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं। और एक बार आप लोग जरूर कमेंट में लिखना जय श्री राम, जय भवानी, जो भी आपको लिखना है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तलवार यही सब भी सारी कवर करके दिखाऊंगा। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले बोलो भैया। देखिए पहले हमने आज से 2-3 साल पहले शूट की थी हमने जी, बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत आगे बढ़ा, और उसके साथ में कुछ चीजें भी मुझे सीखने समझने को मिली, और कुछ क्वेरीज मुझे जो मेरे कस्टमर्स की कमेंट्स में थी। सबसे बड़ी जो क्वेरी थी, कंप्लेन थी, मैंने कमेंट्स में देखा कि लाइन से कमेंट से भैया कॉल पिक नहीं हो रही, भैया व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल रहा जी। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा वीडियोस पे, पिछली वीडियो पे हमारे अप्रॉक्स 600K व्यूज हैं, 7 लाख के समथिंग है, 7 लाख के समथिंग व्यूज हैं। अब आप उसको अगर इंटू करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, 2 साल पुरानी वीडियो है, पर डे अप्रॉक्स 10-20 हज़ार व्यूज जा रहे हैं जी। पॉसिबल ही नहीं हो पाता मेरे लिए, नहीं किसी मशीनरी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इतने सारे कस्टमर्स को कॉल अटेंड करे। या तो मैं कॉल ही अटेंड कर लूं, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दूं जी, मैं दोनों चीजें पॉसिबल नहीं कर सकता जी। इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, कॉल से बेटर है आप लोग सीधा व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, आप लोग इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, वहां ये है अगर आपका मैसेज पड़ा भी होगा ना तो अभी ना सही, 2 घंटे बाद सही 2 घंटे बाद ना सही, 1 दिन 2 दिन लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको जी। कॉल का ये है, कॉल नहीं उठा पाया, मैं कॉल नहीं उठाता, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉल उठाने बिजी रहूंगा ना सर, मैं ये बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। मैं आपको बहुत फ्रेंडली बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं, ये मैं जितने भी यूट्यूब पर जितने भी हमारे बिजनेसमैन भाई अपनी वीडियो डालते ना, मैं उन सब की तरफ से ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग कॉल ही सर पिक करते रहेंगे ना, क्योंकि हम आपको कॉल पर प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, प्रोडक्ट देखने के लिए तो आपको व्हाट्सएप पे ही आना पड़ेगा ना जी। तो आप सीधे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। हाँ, जो मेरा भाई ऑर्डर करता है, जिन्होंने पिछली वीडियो को देख के हजारों भाइयों ने ऑर्डर करा है, उनको पता है कि जब ऑर्डर बुक करते हैं तो पेमेंट से पहले मैं उनको एक स्पेशल नंबर देता हूँ, वो नंबर 24/7 रहता है, आप उस पर कभी भी कॉल करें, वो नंबर आपको, आप रात को 1 बजे फोन करेंगे वो नंबर उठेगा। लेकिन जो ये नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, शायद अभी रिप्लाई ना मिले, क्योंकि 500, 1000, 2000 डेली के मैसेज होते हैं, तो मैं भी मशीन नहीं हूँ जो रिप्लाई करता रहूंगा, बट हाँ रिप्लाई जरूर मिलेगा, उसका 2 दिन बाद मिले 3 दिन बाद मिले। बिल्कुल, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अभी सर क्या स्पेशल था, ये स्पेशल दिखाओ। ये जी, ये मैंने, मेरे जो शौकीन भाई हैं जी, जो मुझसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने, कितना वजन होगा पहले ये बताओ। इसका सर वजन है अप्रॉक्स 10 किलो। 10 किलो तभी उठ नहीं रहा था, अभी 5-6 किलो तो मैं बोल ही रहा था। जी देखिए, मैं जब मैंने वीडियो शूट की जी, तो ये बिजनेस जो है ना, ये मेरा शौक है जी, ये जो मेरा बिजनेस है, मैंने आपको भी बोला था कि मेरा, जब हम लोग, आप तो मेरे बहुत पुराने भाई जी, भैया का नाम एक बार बता देता हूँ, ये चौहान जी है, और इनका काम भाई काफी पुराना है, मेरा जितेंद्र सिंह चौहान नाम है जी, और संदीप भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और संदीप भाई जानते हैं कि ये जो हथियार है ना, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा शौक है जी। मेरा बिजनेस का जो एम है वो कुछ और ही है, मेरा गोल है वो कुछ और है, बट वो हम इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी संदीप भाई की हेल्प लेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने कस्टमर्स को देखा, तो कस्टमर्स ने मेरे से, बहुत सारे भाई से बोले, सर रेट की कोई टेंशन नहीं है जी, लेकिन हमारे लिए ऐसा आइटम बनाए
जो कहीं किसी ने देखा ना हो जी। तो ये ऐसे भाइयों के लिए बनाया ये आइटम जी, आप लेकर जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, ये आपने ना ही किसी YouTube वीडियो में देखा होगा, ना ही किसी फोटो में देखा होगा, ये आपने कहीं आइटम नहीं देखा होगा। आप देख लीजिए इसका हैंडल, देखिए इसकी इंग्रेविंग देखिए आप, आप देख रहे हैं, इस हैंडल को हम बोलते हैं भवानी हैंडल जी। ये जो हमारे मराठा वॉरियर्स होते थे बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ये जो हैंडल है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो तलवार यूज करते थे ये हैंडल उस तलवार में लगता था जी। इसको बेसिकली भवानी हैंडल बोलते हैं जी। और उसके ऊपर ये हमने ब्लेड लगाया है, इस ब्लेड को स्पेशली कस्टमाइज करवाया है जी। 4.25 इंच का ये ब्लेड है जी। 7 किलो वेट इस ब्लेड का वेट है सिर्फ जी। 7 kg का सिर्फ ब्लेड है जी। उसके बाद में ये स्पेशली कस्टमाइज की मैन है जी। और यही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ मॉडल्स हैं बिल्कुल, जो मैंने कस्टमाइज करवाए हैं। इसके अलावा आप कहते हो भैया कुछ स्पेशल क्रिएशन अपने पास कुछ है अलग? बिल्कुल, जब आप हमारे पास आए तो ऐसा हो नहीं सकता सिर्फ एक चीज दिखाई दे। पिछली बार आपको ध्यान है कि हमने एक ढाल वाले हैंडल की तलवार दिखाई थी जी, जो मैंने आपको बोला था कि ये तलवार सबसे पहली बार मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाई जी। उसके बाद उस तलवार की काफी कॉपी बनी मार्केट में जी। और अब वो लगभग नॉर्मल हो गई है, सभी लोग बेच रहे हैं कि मैंने बनाई है। मैं सिंपल बोलता हूँ, आप लोग वीडियो उठा के देख लेना, सबसे पहली बार यूट्यूब पे वो तलवार किसने लॉन्च करी थी। बिल्कुल, ऐसे ही इस बार एक तलवार तो ये हो गई। अब इसके अलावा एक चीज मैं ऐसी लॉन्च कर रहा हूँ जो इतिहास पलट देगी जी। अब आप बोलोगे इतिहास कैसे पलटेगी? कैसे पलटेगी भैया, ये तो क्वेश्चन सही है। इतिहास में एक बहुत पुरानी कहावत है साहब। क्या कहावत है सर? वो हम ना, अगर हम थोड़ा मजाक में बात करें, हम जी हस्बैंड वाइफ के लिए कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भैया। वो तो बिल्कुल नहीं रह सकती, तलवार तो वैसे भी एक ही म्यान में रखा जाएगा। एक तलवार मैनेज करने वाला होना चाहिए साहब, और दिमाग लगाने वाला होना चाहिए जी। एक म्यान में भी दो तलवार रह सकती हैं और हंसी खुशी रह सकती हैं जी। ये देखो ये रही, हाँ ये म्यान है, इसमें दो तलवार है। हाँ जी बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो सर? अरे साहब चौहान हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा पहला तलवार, अरे मतलब एक म्यान के अंदर में आपने दो तलवार निकाल दिया? देख लिए। अरे भैया बोलता नहीं हूँ। तलवार कितने से रखते हो आप ये बताओ पहले? मेरे पास तलवार 600-700 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। कैसी वैरायटी होती है 600-700 में, पहले वो दिखाओ भैया, क्योंकि तलवार तो आपके पास बहुत है, डिजाइन बहुत है, रेट तो पता चले एटलीस्ट। बिल्कुल ये रही। ये मार्केट में कितने का होगा मोटा मोटी? ये मार्केट में 1000 की बेचते हैं, 1200 की बेचते हैं। आप 600-700 का दोगे? हाँ जी बिल्कुल। एक पीस किसी को ये भिजवा दोगे ये वाला? आपको एक चीज और बता दूं, हाँ यहाँ मेरे भाई कंफ्यूज जाते हैं, ये बोलते हैं भैया ये तो फलानी मार्केट में 700-500 रुपए की मिलती है। जो 500 रुपए की देते हैं ना वो गत्ते की म्यान होती है, ये लकड़ी की म्यान है। लकड़ी है साहब, लकड़ी है जी, समझ रहे हैं, ये गत्ते की म्यान नहीं है, लकड़ी की म्यान है। बिल्कुल 500 रुपए की मिलती है ना वो गत्ते की म्यान होती है, लकड़ी की म्यान है और ब्लेड है जी। ठीक है, तो ये 600-700 से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पिछली वीडियो में जो आपको दिखाई थी वो, और ये देखिए आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं, जितनी भी तलवार आप देख रहे हो ना दोस्तों, जो भी ये तलवार सब देख रहे हो, किसी में भी धार नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, बिल्कुल बगैर धार का होता है, और ये सब शोपीस होता है, घर की शोभा के लिए होता है ना भैया, शोभा के लिए होते हैं। कुछ मेरे भाई ये मंदिर में चढ़ाते हैं, कुछ भाई ये शादी ब्याह में लेते हैं, मोस्टली वहां जाती हैं जी, कुछ लोग गिफ्ट करने के लिए देते हैं। हाँ बहुत सारे मेरे भाई हैं जो नेताओं को, उन सबको गिफ्ट करने के लिए देते हैं जी। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिखाने से पहले मैं जरा होमवर्क करके आया हूँ जी, उस होमवर्क में मैं चाहूंगा एक बार आप भी नजर डाल लें। बिल्कुल जी, मेरे भाई भी नजर डाल लें। बिल्कुल, मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो में जो भाइयों ने मैं प्यार दिया जी, मैंने आज से 10 दिन पहले उस वीडियो को लगभग रात को 3 घंटे बैठ के जज किया, और उस वीडियो में अप्रोक्स हमारे 5000 से ऊपर कमेंट्स है, राइट जी, जी होंगे। और उन 5000 कमेंट्स में से मैंने लिस्ट निकाली, मुझे 7 कमेंट जो थे वो फ्रॉड के मिले जी। ये मैंने लिस्ट निकाल के रखी हुई है, होमवर्क करके आया हूं सर। बिल्कुल, उसमें पहला नाम था हमारे पीसी के नेम से, वो आपके पास भी उस भाई ने कॉल करा था। बिल्कुल, पीसी के नेम से फ्रॉड है करके कमेंट कर रहा था भाई जी। उसका जो ऑर्डर था साहब 14 अगस्त का ऑर्डर था, और उन्होंने 23 अगस्त को दुनिया में कमेंट कर मारा, आपको कॉल भी कर दिया। 14 अगस्त को बंदा ऑर्डर बुक करता है और 23 अगस्त को उसने हर जगह कमेंट कर दिया। उसके बाद इसके तो आप ही प्रूफ है कि मैंने उसका सामान डिलीवर करवाया था, करवा दिया था ठीक है। 24 के बाद 27 अगस्त तक सामान डिलीवर हो गया था, लेकिन उस भाई ने वो कमेंट डिलीट नहीं करे, सामान मिल गया कमेंट डिलीट नहीं करे उस भाई ने, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो। उसके बाद में एक हमारे उड़ायन भाई थे, सेम थिंग उनके साथ हुई थी, 10 दिन का लेट हो गया था, गलती उन्हीं की थी, नंबर गलत दे दिया था ठीक है। उसके बाद उनको डिलीवर करवाया उन्होंने भी। उसके बाद में हमारे एक रोहिल्ला वैभव वर्मा नाम के भाई थे जी, इन्होंने जो थी दिल्ली से थे, इनकी मैं आपको बहुत ये चीज को शायद कोई बताएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये चीज, इन्होंने मेरे पास तलवार ऑर्डर करी 1500 रुपए वाली जी, ठीक है। और मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला सर क्वालिटी, मैंने सर रेट के अकॉर्डिंग क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी, और इन्होंने तलवार मंगा ली। उसके बाद में इन्होंने 8 दिन बाद मुझे डिलीवरी के 8 दिन बाद मुझे मैसेज करते हैं कि सर तलवार में ना डैमेज है,
जी। तो मैंने कहा सर डैमेज जिस दिन आपने डिलीवरी ली थी आप उस दिन मुझे बताते ऑन स्पॉट, मैं चेंज करवा देता, आपको 8 दिन बाद ध्यान आ रहा था अलार्म डैमेज है। तो मैंने फिर भी उनसे बोला मैं सर एक काम करिए ठीक है आप मुझे तलवार भेज दीजिए रिटर्न कर दीजिए मैं आपको नई तलवार भेजता हूँ। ये साहब अड़ गए कि नहीं नहीं पहले आप मेरे पास भेजो जब आपकी डिलीवर हो जाएगी उसके बाद मैं आपको डिलीवर करूंगा। उसमें क्या हुआ इन्होंने मुझे 2-3 भाइयों से धमकी दिला दी जी, उसके बाद फिर मैंने उनको दिया ही दी जी। ठीक देखिए आप प्यार मोहब्बत से काम करेंगे सब होगा, मैं बहुत क्लियर होकर बोल रहा हूँ मैंने इस भाई को नहीं दिया, माल तो पहुंच गया था लेकिन नई तलवार उसको नहीं दी और मैं दूंगा भी, इसने बहुत लोगों को धमकी दिलाई मैं नहीं दूंगा, अगर देख भी रहा होगा वीडियो तो क्लियर हो रहा होगा। मैं सर बिजनेस करता हूँ ना, मैं मेरी वैल्यूएशन में बिजनेस करता हूँ, आपके 1000-2000 रुपए अगर मैं बेईमानी कर भी लूंगा ना मेरा घर नहीं चल जाएगा, लेकिन वो 2000 की जो बद्दुआ होगी ना मुझे बहुत ऊपर तक लगेगी साहब, मेरे बच्चे हैं बहुत कुछ देखना होता है। ठीक है बिल्कुल। उसके बाद हमारे इनायत मुलानी साहब हैं और जेडी गाडगे साहब हैं, इन दोनों की जरूर मुझे डिटेल नहीं मिली, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन इनकी डिटेल, बाकी सारे जितने हमारे कमेंट थे वो सारे पॉजिटिव कमेंट थे, सभी भाइयों ने बहुत प्यार दिया बिल्कुल। अब एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आप लोग ऑर्डर करते हैं आप लोग रेट देख लेते हैं, मैंने ये गारंटी दी है मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में डिलीवरी देता हूँ, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मैं कैश ऑन डिलीवरी देता हूँ। अच्छा बिल्कुल। आपको पेमेंट पहले करनी होगी और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं बायकास्ट राजपूत हूँ और जो मेरे राजपूत समाज के जो मेरे भाई होंगे वो दिल्ली एनसीआर राजस्थान के मुझे बाय नेम जानते होंगे जी, वो आपको पता है क्यों आपने अगर पेमेंट दिया है ना आपका सामान पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है जी। ठीक है आप उस, और आप लगभग 7 साल से आप मेरे से जुड़े हुए जी। आपको पता है मेरी याद कैसी है बिल्कुल। ठीक है और इसी वजह से 3 साल में दुनिया भर के भाई आए मेरे पास में वीडियो बना लो वीडियो बना लो, मैंने कहा नहीं जी मैं बनाऊंगा, एक भाई है उन्हीं के साथ बनाऊंगा उन्हीं के साथ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा लालच नहीं है भाई करने का। ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए साहब, डिलीवरी की जिम्मेदारी मेरी है, इंडिया ही नहीं अब्रॉड में हर जगह आपको होम डिलीवरी दूंगा, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी वाले भाई प्लीज। ठीक है अगर कोई कैश ऑन, पहली बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि आप अगर पैसा दे रहे हैं आपका पैसा कहीं नहीं मारा जाएगा, सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है बिल्कुल, जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गई भैया चौहान जी, अब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं भैया, प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया आपने बस इन्फॉर्मेशन दिया बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर प्रोडक्ट देखते हैं, ये स्टार्टिंग रेंज जी। ठीक है जी, इससे थोड़ा सा और अब रेंज जी, ये सब किस रेंज का, थोड़ा सा हैंडल चेंज हो जाता है, ये सारे अंडर 1000 दिखा रहा हूँ अभी आपको। अच्छा 1000 के अंदर है, ये हैंडल ये सब देख सकते हैं जी जी। ठीक है ये थोड़ा सा और वर्क आ जाता है जी। ठीक है जी, इसके कवर पर वर्क आ गया। और ये सब सिरोही की होती है, कहाँ की होती है सर? सर अलग अलग जगह की है, सिरोही सर मैं आपको बता दूं लोगों की, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, लोगों की कंफ्यूजन होती है साहब सिरोही की तलवार चाहिए, सिरोही जो है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सिरोही तलवार का नाम नहीं है, सिरोही राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और वहां जो तलवारें बनती है हम उनको सिरोही की तलवार बोलते हैं। ठीक है, सिरोही की तलवार किसी जमाने में राजा महाराजों के जमाने में फेमस होती थी, आज की डेट में जो तलवार यहाँ बन रही है वही तलवार वहां बन रही है क्योंकि सब मशीनरी यूज कर रहे हैं जी। ठीक है तो ये आपकी सिरोही, अब उसके बाद में आपको वापस तलवारों में आते हैं, बातें बहुत हो गई हैं बिल्कुल। ये देखिए, ठीक ये देखिए, ये लकड़ी की मैन में थोड़ा कार्विंग के साथ में है। ठीक है, ये मोटा मोटा किस रेंज का होगा सर? ये सर आपको 1200 की रेंज, 1200 की रेंज। अब हम ऊपर बढ़ जाते हैं जी। ठीक है, ठीक है, आप देख ही चुके हैं जी। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ सर, ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सब ये तलवार आपको मैं दिखाता हूँ, इस तलवार में भी ना आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं जी, ये तलवार स्पेशली वेडिंग के लिए जाती है जी। अब आप ये तलवार देखें जी, ठीक है, उसके बाद में आप ये तलवार देखें, आप बोलेंगे दोनों तलवार एक ही तो है भैया? हाँ लग तो एक ही जैसी रही है भैया, क्योंकि ये सब चैन उसमें भी है, ये भी है। ठीक है, बस कलर का फर्क है। मेरे भाई जो कंफ्यूज होते हैं ना वो यहीं कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों तलवारों के रेट्स में ना आपको देखने में जरूर एक लग रहा है लेकिन रेट्स में बहुत फर्क है जी, अप्रोक्स 500-700 रुपए का फर्क है। और मेरे भाई जो बेवकूफ बन जाते हैं ना कई बार, वो ऐसे ही बनते हैं, उनको दिखाई जाती है कुछ अमाउंट वाली तलवार और सेम डिजाइन की हल्की तलवार भेज दी जाती है जी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरे मॉडल में दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी, ये तलवार आपको दिखाई थी ब्लैक कलर में रेड कलर में पिछली बार दिखाई थी जी। अब आप ये तलवार देखिए, सेम सेम तलवार है, ये देखिए सेम तलवार है जी। ये तीनों आपके हिसाब से और मेरे कस्टमर के हिसाब से ना, ये और ये मेरे भाइयों के हिसाब से एक तलवार है बिल्कुल, आप भी यही मानेंगे ना जी। लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों तलवारों में ना 500-600 रुपए का फर्क है जी। मेरे भाई यही बेवकूफ बनते हैं, उनको दिखाई कुछ और जाती है और भेजा कुछ और जाती है जी। आप बारीकी से देखिए, आपको ब्लेड देख के समझ में आ जाएगा जी, देख रहे हैं कुछ फर्क दिखा कुछ इसमें ब्लेड का कुछ अंतर अभी इसमें डबल इसका फर्क, इसका फर्क। उसके बाद में कवर में देखिए, ये
और ये देखिए, जब बारीकी से देखेंगे तो इसमें आपने काम करवा रखा है, ये प्लेन है। साइज भी देखिए, साइज भी देखिए। जी जी जी, चौड़ाई उसकी ज्यादा है नीचे वाली की। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जी, ये कस्टमर समझता नहीं है बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको एक और यूनिक चीज में दिखा रहा हूँ, जो मेरे भाई जिनके परिवार में पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होंगे उनको पता होगा, ये तलवार आईपीएस की ऑफिशियल आईपीएस सेरेमोनियल स्वॉर्ड है। जब हम लोग आईपीएस जो भाई बनते हैं उनकी ऑफिशियल जो स्वॉर्ड होती है जी, ये ऑफिशियल आईपीएस की सेरेमोनियल स्वॉर्ड है। जब लोग यूपीएससी क्रैक करके जब आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो जो उनकी पासिंग आउट परेड होती है उसमें जो ऑफिसर्स जो तलवार कैरी करते हैं ये वो तलवार है। जो लोग मेरे भाई इस लाइन से होंगे उनको पता होगा जी, ठीक है। उसके बाद समराई की बहुत डिमांड आ रही थी, ये रही हमारी समराई जी, ये रही कलर्स जो आप बोलेंगे रेड ब्लू ब्लैक सब मिल जाएगा जी, समझ रहे हैं। सेम सेम मैं इस तलवार की बोल रहा हूँ, इसमें भी व्हाइट ब्लैक रेड ब्लू सारे कलर मिल जाएंगे, सब में कलर। तलवार कोई भी आप ले लें ठीक है, आपको कलर आप जो बोलेंगे उस कलर में बना दूंगा, जैसे बोलेंगे वैसे बना दूंगा। हाँ, अगर आप स्पेशली कस्टमाइज करवाएंगे तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास जो चीजें रेडी होती हैं वो अलग है, वो आप लेंगे ऑन स्पॉट करवा दूंगा, लेकिन अगर कस्टमाइज करवाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। उसके बाद सर आ जाते हैं, पिछली बार एक तलवार का बहुत प्यार मिला था जी, हम उस तलवार को दिखाते हैं, उसमें मैंने कुछ और चीजें ही बनाई हैं बिल्कुल। राजपूताना जी, आपने सही पहचाना जी, ये हमने थोड़ी सी ऊंची चीज को ना बाहुबली में ऐड करा है जी। जय शिव जी, ये हमारे महाराष्ट्र से इतना प्यार मिला इस तलवार को जी, ये है बाहुबली तलवार लेकिन इसको महाराष्ट्र से इतना प्यार मिला जी। तो मैंने मेरे मराठा भाइयों के लिए ना, मैं कहा बाहुबली में कुछ ऐसा कुछ यूज करते हैं जो उनके लिए ना जी, ठीक है। उसके बाद में इसी में हम आ जाएं तो ये हमारे महाराष्ट्र के भाइयों के लिए एक और जी बिल्कुल। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, मर्द मराठा। अच्छा समझे, अब ये मर्द मराठा जय शिवाजी जय राजपूताना आप जो चाहे बोले लो साहब, आप अपना कस्टमाइज हो जाएगा। हाँ, आप अपना नाम भी बोलोगे वो भी लिख दूंगा, आप जो बोलोगे अपनी वाइफ का नाम बोलोगे वो भी लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आ जाते हैं हैवी तलवारों पे जी, तो ये है ठीक है, ये बहुत सिंपल पीस है लेकिन हैवी बहुत है, आप इसको देखो बिल्कुल, इसका ब्लेड जो है वो बहुत हैवी है ठीक है। उसके बाद में बाहुबली में लोगों की पिछली बार काफी डिमांड थी हुई है ब्लैक कलर में, तो आपकी ब्लैक बाहुबली है, ये पूरा बाहुबली है बिल्कुल जी ठीक है। उसके बाद में ये कुछ यूनिक हैंडल है जी, आप देखें ठीक है जी, ये वही चीज है वेडिंग वाला जी, सेम जोन का है बस थोड़ा सा फर्क है हैंडल का बिल्कुल जी सर, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज और, मेरे भाई ना बहुत सारे मुझे कॉल मैसेज करते हैं कि भाई डैगर्स दे दो पंच दे दो, मैं आपको बता दे रहा हूँ दुनिया के लोग बेकरे होंगे साहब, मैं वो काम करता नहीं हूँ। ये डैगर्स पंच मैंने पिछली बार डैगर्स रखे थे बट जैसे ही मेरे पास में लेटर आया गवर्नमेंट का मैंने वो डैगर्स रखने बंद कर दिए हैं, और बाकी भाइयों से बोलूंगा डैगर्स पंच ना ही बेको और ना ही खरीदो, सारा इलीगल है। मैं जितना काम करता हूँ आपने मेरे लाइसेंसिंग भी देखी, आपने मेरे सारे पेपर्स देखे हैं बिल्कुल, ये देख सकते मैं सारा काम ना ऑन पेपर करता हूँ, मेरे पास इतनी मोटी फाइल है सिर्फ मेरे रजिस्ट्रेशन की जी, डीएम से लेके और केंद्रीय मंत्री से तक से ठीक है ना जी, तो मैं वही काम करता हूँ जो लीगल है, ताकि मैं अगर आपको बेचूँ ना तो आपको भी दिक्कत ना हो कल को मुझे भी दिक्कत ना हो जी। भाई लेना भी मत, और जो भाई बेचते हैं ना 1500 के चक्कर में बेचना ही मत यार, आप लोग बेच देते हो कल को दूसरे भाई के लिए दिक्कत हो जाती है ठीक है जी। तो पंच और चाकू भाई मत लो ठीक है, ना बेचो ना लो बिल्कुल। और इसके अलावा भैया क्या क्या स्पेशल चीजें हैं, इधर मैं देख रहा हूँ ये चीज बड़ा अच्छा लग रहा है जी, ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था जी, ये अश्वमुखी डैगर है हमारा, अश्वमुखी खंजर है, ये स्टैंड के साथ आता है जी ठीक है, ये इसका ब्लेड है, ब्लेड पे भी आप देख रहे होंगे इंग्रेविंग है, अच्छी खासी इंग्रेविंग है ब्लेड पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ये हमारी पिछली बार भी मैंने दिखाई थी वाली, ये हमारी सम्राट अशोक तलवार है जो कलर्स पे प्रोग्राम आता था सम्राट अशोक जी, ये उसमें यही तलवार यूज होती थी जी। उसके बाद में एक तलवार आपको और दिखाता हूँ यूनिक, और ये देखिए ये क्या लिया है, ये भी तलवार आपने कहीं नहीं देखी होगी, इसकी म्यान कैसी है भैया, इसकी म्यान भी दिखाता हूँ आपको साहब, ये नहीं, अरे वाह, ये इसकी म्यान है, और इसमें भी आप चाहें आपको हैंडल चेंज करवाना है, ये हैंडल है देखिए इसका ठीक है, ये ग्रिप आ जाती है इसकी जी, क्लोज हो जाता है, आप चाहें भैया मुझे हैंडल चेंज करवाना है हैंडल चेंज हो जाएगा, आप चाहें इस कवर का कलर चेंज करवाना है वो भी हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, आप जैसा कस्टमाइजेशन मुझसे बोलेंगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है बिल्कुल, आप जैसा बोलेंगे क्योंकि मुझे तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा बना के दे दूंगा, जैसा ब्लेड बोलोगे वैसा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या होता है अपने पास, उसके बाद में अपने पास में एयरगन से यार ओरिजिनल गन भी ले आया बिल्कुल, और नॉर्मल इंडियन एयरगन में इसका फर्क आप देखिए बिल्कुल, ये अभी खाली है एयरगन है, ये
एयर गन है और खाली इसके लिए लाइसेंस तो नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको एयरगन से ही बता दूं जी, एयरगन में भी कुछ कैटेगरीज हैं जो लाइसेंस की आती हैं। ये 0.77 कैलिबर की है, इसके ऊपर आती है 0.22 कैलिबर की। 0.22 कैलिबर जो है प्रोविडेंट बोर है, बोर है उसमें लाइसेंस चाहिए। 0.77 कैलिबर का जो बोर है उसमें लाइसेंस नहीं चाहिए। ये डीप बात बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? अब इसके आपको साउंड सुना देता हूँ, खाली है। और भाई साहब आवाज भी बहुत जानदार है इसमें, ठीक है? ठीक है, उसके बाद में आप ये सारे मॉडल्स देख ही सकते हैं, ये सारे 1000 और 1200 के रेंज के हैं जितने मॉडल्स रखे हुए हैं, ठीक है? ये देखिए सारे डिजाइन आप देखिए, इनको छोड़ के मेरे भाई बोलेंगे ये तो रखी हुई थी जी, ये सब 1000-1200 के अंदर। हाँ जी, 1000-1200 के रेंज के अंदर है बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा क्या आपने स्पेशल बोले, स्पेशल भी कुछ दिखा रहे थे? उसके बाद में आपको तलवार ही तलवार भैया ने निकाल दिया यार, सारा है ना सर, मैं दिखाऊँ ना शाम हो जाएगी आपको दिखाते दिखाते, ठीक है? उस जैसे जैसे मान लीजिए हम इस वाली तलवार की बात कर रहे हैं, हाँ। अब इस वाली तलवार में मेरे भाई ये बोलेंगे ना कि मुझे भैया ब्लेड और चौड़ा चाहिए, मुझे हैंडल में और वर्क चाहिए, देखिए सारा इंग्रेडिएंट वगैरह है, लेकिन मुझे ये चीज़ कलर चेंज चाहिए, ये कलर चेंज चाहिए, ठीक है, मैं वैसा ही बना दूंगा। हैंडल का डिज़ाइन आपके पास जो है, आपके पास जो भी इसका सॉरी ब्लेड का डिज़ाइन है, आप मुझे वो ब्लेड का डिज़ाइन दें, टाइम दें, मैं आपको वैसा बना के दे दूंगा। इन शॉर्ट जैसी आप बोलोगे ना मैं वैसी तलवार बना के आपको दे दूंगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में भेज दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी जी। फिर बोल रहा हूँ साहब, पेमेंट एडवांस है। जिस भाई को कैश ऑन, जिस भाई को मेरी बातों पे अभी भरोसा नहीं हो रहा ना, प्लीज़ सर अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब मत करना, आप भी खुश मैं भी खुश। क्योंकि ऐसा होता है आप जब मैसेज करते हैं ना और आप जब 15-10 मिनट बात करते हैं उसके बाद जब मुझसे बोलते हैं ना कि भाई नहीं मैं तो कैश ऑन डिलीवरी दूंगा, उतनी देर में जो रियल में बंदा जिसको चाहिए होता ना मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जी, ठीक है? तो आप जिस जिस मेरे भाई को चाहिए वो कांटेक्ट करे, ले। हाँ, दो दिन हो सकता है, शायद 2-3 दिन, मैं भी भाई मशीन नहीं हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको रिप्लाई दूंगा बिल्कुल। तो ओवरऑल देखिए काफ़ी सारे अपने पास तलवार हैं, काफ़ी सारे सजावट की चीज़ें हैं, होम डेकोर आइटम्स बहुत सारे हैं अपने पास, अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इस तरह की आइटम बहुत सारी मिलने वाली है। रेंज की बात करूँ 600-700 रुपये से स्टार्ट हो जाती है तलवार, बाकी आपको अलग अलग रेंज है 800, 1000, 1200 अलग अलग रेंज की है। 6 लाख तक की साहब, 6 लाख तक का आपको इनके पास प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट जो होगा गारंटी के होंगे, अच्छी माल होगी, दिक्कत कहीं नहीं आएगी, इनके तरफ से ये वादा किया गया है ना भैया? बिल्कुल। और ये देखिए इधर भी बहुत सारी तलवार है भैया, ये सब भी आपने बहुत रखा है तलवार आप भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है साहब, मैं बोलता हूँ अगर आपको अभी मॉडल दिखाना शुरू होगा तो शाम तक हो जाएगी। बिल्कुल, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा इनका क्रिएशन। अगर आप यहाँ आके भी माल लेना चाहते हैं तो भैया आपको एड्रेस वगैरह भी प्रॉपर समझा देंगे, आप इनके एड्रेस पे आके माल ले सकते हैं ना भैया? थैंक यू।